दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सुशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। सावरण शहर के सर्वोदय नगर पुरानी पानी टंकी क्षेत्र में 90 के दशक के केंद्र सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत सावरण तहसील द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों को इस योजना के तहत घर तथा आवासीय पट्टे प्रदान किए गए थे। तभी ये लोग इन स्थानों पर अपने परिवार के सह रहने लगे तथा रोज मजूरी कर अपना उदार निर्वाह करने लगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश निवासी नियाज मोहम्मद हनीफ, जो की सर्वोदय नगर से सटे लेआउट का मालक है, जो आसपास के इंदिरा आवास धारक गोर गरीबों के घरों में जाकर यहां जगह तुरंत खाली करो नहीं तो बुलडोजर लाकर तोड़ दूंगा, तो किसी को घर चलाने की धमकियां देने लगा, जिससे सर्वोदय नगर वासी गरीबों में भय का वातावरण है। जानेंगे इस बारे में हमारे सावनेर प्रतिनिधि किशोर ढूंढेले इनसे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश निवासी नियाज मोहम्मद हनीफ, जो कि सर्वोदय नगर से सटे लेआउट मालक है, जो आसपास के इंदिरा आवास धारक गोर गरीबों के घरों में जाकर यह जगह तुरंत खाली करो नहीं तो बुलडोजर लाकर तोड़ दूंगा, तो किसी को घर जलाने की धमकियां देने लगा, जिससे सर्वोदय नगर वासी गरीबों में भयानक वातावरण निर्माण हुआ। वहीं लेआउट धारक अपने गुर्गों के साथ वहां रह रहे लोगों से मारपीट कर तथा उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिशों के साथ ही अब महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार करने को उतारू हो रहे हैं। वहीं सर्वोदय नगर निवासियों ने आरोप लगाया है कि लेआउट मालक द्वारा सावनेर पुलिस में दर्ज झूठी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में पुलिस तत्परता दिखा रही है, लेकिन हम गरीबों द्वारा दर्ज सही रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे सर्वोदय नगर वासी दहशत के वातावरण में जीवन जीने को मजबूर है। मैं घरे नव्हते, कामा लगेले होते, आमच्या लेकराला म्हणला तुझ्या आई बापाला सांगून दे घर खाली करा म्हणून, नाही तर म्हणे मी घासतेल टाकून जाळून देईन म्हणे घर। धमकी दिली, आम्हाला बी फोनवर बोलला, आमच्या लेकरापासून फोन नंबर घेऊ। तू फोनवर का बोलला? घर जाळून देईन म्हणे, घर नाही खाली केलं तर आजच खाली करा म्हणे घर। नाही खाली केलं तर घर जाळून देईन, घर जाळून देईन म्हणे। मग तुम्ही त्याची रिपोर्ट वगैरे केली? नाही केली। कोण? आम्ही करतो म्हणलं होतं आता समजायचं राय। रिपोर्ट कराची है? हाँ, रिपोर्ट करान का नहीं करान? नहीं करनार ना। करनार। हाँ। वो बोल रहा है कि ये हमारी जगह है। हाँ। और ये आपने जो घर बनाए वो हमारी हद है। अच्छा। इसलिए हमको खाली कर दो ये घर और हम बुलडोजर लाके खसाते हैं। तुम कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ रह रहे हैं 30 साल से। 30 साल के ऊपर की जिंदगी हो गई आपकी? हाँ हाँ। तो तब से ये कोई नहीं आया और अभी आ रहा है? अभी आ रहा। हाँ। तो तुमने रिपोर्ट वगैरह दिया, तुम्हारे घर वाले के नाम से वगैरह कोई रिपोर्ट वगैरह डाला है क्या उसने? उसने तो हाँ डाला रिपोर्ट। हाँ। घर वालों के भी नाम से और सभी के नाम से डाला है उसने रिपोर्ट। सभी के नाम से डाला है। हम और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या मामला है और क्या क्या परिस्थिति है यहाँ पे। घरी येते सासते आणि धमकवते, लेकरा बर आले आम्ही कामाले जातो, कामाले जाऊन बी घरी येऊन धमकावते, लेकराले असं म्हणते की तुम्ही घर खाली करायले सांगून द्याचं तुमच्या वडिलाले तुमच्या आईले असं सांगते थे, आणि नोटीस वगैरे पाठवून दिला आहे त्याने नावाचा, आणि तुम्ही घर खाली करा म्हणते। 40 वर्षापासून राहून राहिलो आम्ही इथं, त्याची काही ते जानकारी घेऊनच नाही राहिले। असंही ऐकण्यात येऊन राहिलं का काही महिलांसोबत ते अभद्र व्यवहार वगैरे करते, उलटं सिलं काहीतरी शिवागाळी करणं, हातपाय पकडणं, साडी वगैरे असं हे काही? हो करते साहेब, थे येते घरी आणि मागते ते यांच्या इथं। हा धिंगा झाला तर आम्ही गेलो त्यांच्या इथे, ते हा साडी वगैरे हात वगैरे पकडला होता त्यांनी, आम्ही सोडसाड केलं तेव्हा ते गेले आणि गाली गचोट बी करतात ते। आजीबाई तू किती वर्षापासून राहून राहिले? आता 40 वर्ष होऊन राहिले साहेब। तर त्या दिवशी आले तर म्हणलं तुम्ही कायच्यासाठी आले, ऐ बोलायचं नाही बुद्धी, चल निकल घर के बाहेर, हम बुलडोजर लाकर खसा डालेंगे और भग यहाँ से। साली मादर चौथ, तुमने किसने बताया यहाँ पर रहने के लिए जगह हमारी है? हमने बोला कि ऐ हम रिपोर्ट डालेंगे बाद में निकलेंगे। नहीं नहीं निकल, तो मोहल्ले वाले जमा हो गए फिर। तो मान लो पापा मोहल्ले वाले पाजी मान लो ये मार जोड़ कराल धावते, तब मैंने सर्वे जन जमा जाए। तो मग तुम्ही ठाण्यात जाऊन रिपोर्ट दिली का? पोलीसमध्ये भी पोलीस ठाण्यात भी गेलो जी आम्ही, पण आमची रिपोर्ट नाही घेतली त्यांनी। आम्हाला काय म्हटलं त्यांनी पोलीसवाल्यांनी, काही इथं का दावत आहे का तुम्ही इथे जेवण करायला आले इतके सारे जण? तुम्ही सगळ्या महिला गेल्या होत्या का पोलीस? का म्हणे तिथं पोलीसवाला दावत आहे का? साहेब ये जगह इंदिरा गांधी आवास योजना अंतर्गत मिली हुई है हमारे को, और वो चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे वो उत्खनन खनन वगैरह करता है तो कभी लेडीज लोगों को धमकाता है, हम काम धंधे पे जाने के बाद में वो बच्चों को धमकाता है, घर पे आता है सीधा घर के अंदर में घुसता है, कहाँ है तेरा मर्द, ऐसी अभद्र लैंग्वेज में बात करता है। तो कभी वो एक महिला का हाथ पकड़ा तो वैसी जो महिला भग गई,
ये ऐसे साहब, ये गरीबों के गरीबी के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं ये लोग? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है हमारे को न्याय मिलना चाहिए। सरकार ने पट्टे दिया है तुमको, तो वो पट्टे अगर समझो उसके जगह में आती है, और सरकार से फिर तुम्हारा समझो अगर सरकार ने बोला कि ये तो जगह उनकी, लड़ना सरकार से चाहिए, हमसे ना गरीब से क्यों लड़े हो? जब हमारे पास में सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, पट्टे है, नगर परिषद का टैक्स लगा हुआ है, तो हमसे क्यों वो ऐसा कर रहा है? यहाँ कभी आता है, कभी गाली गलौज करता है, झूठी रिपोर्टें लिखता है, मेरे नाम से तलवार की रिपोर्ट डाली है, रूपेश पट्टे ने तलवार निकाली है, और उसके पीछे में 130 लोग थे। सही में साहब, वो हमारे से काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, तो सही में तलवार लेके दौड़ेंगे हम। और 130 लोग अगर तलवार लेके जाएंगे तो वो बचेगा क्या? और बचेगा क्या? आप सोच लो, आप समझ लो कैसा क्या है ये मामला। पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। अगर तुमको न्याय नहीं मिला तो तुम आंदोलन हम करेंगे, आंदोलन बिल्कुल हम करेंगे, सब हम रास्ते भी निकलेंगे बच्चों को लेके, आंदोलन हम करेंगे, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, हम आंदोलन करेंगे। सर्वोदय नगर वासियों ने सावनेर थानों में उक्त लेआउट मालक तथा उसके साथी के खिलाफ उक्त मामलों की लिखित शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। हाँ किशोर जी, इंदिरा आवास योजना के संबंध में ये जो वाक्या हुआ है, क्या बताएंगे इस बारे में आप? ये जो सर्वोदय नगर जो पानी टंकी का जो एरिया है, ये एरिया बहुत पुराना एरिया है, झुड़पी जंगल में आता है, ये सरकार की जगह है, और करीब 35 साल पहले सावनेर तालुका द्वारा केंद्र की जो योजना है इंदिरा आवास योजना के तहत, लगभग वहाँ सैकड़ों लोगों को वहाँ में घर और पट्टे आवंटित किए गए थे। उसी के करीब में अभी लगभग एक साल भरे पहले से एक लेआउट धारक है हनीफ करके, तो उनकी खेत की जमीन है ऐसा उनका कहना है, और उसके ऊपर में उन्होंने लेआउट डाल के वो लेआउट को बेचना शुरू किया है। अब वो आए दिन वो जो वहाँ जो रहने वाले हैं, जिन्हें पट्टे दिए गए हैं, जो वहाँ में रहने वाले जो लोग हैं, अब उनको जाके वो तंग कर रहा है। एक्चुअल देखा जाए तो ये एकदम स्लम एरिया है, यहाँ के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई खेती के काम को जाता है, कोई बिल्डिंग के कामों को जाता है, ऐसा रोज मजूरी करके और अपने परिवार का उधर निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे में ये जो बिल्डर है, इसका इससे पहले भी सौसर में और बाकी जगहों में भी इसके इसी प्रकार के लेआउट का काम है, और इसी प्रकार से काम करने की इसकी शैली है ऐसा बोला जाता है। अब ये लोगों के घर में जाना, सुबह अगर काम पे चले गए तो उनके घरों में जाके महिलाओं को धमकाना, बच्चों को धमकाना कि तुम कल घर खाली कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे घरों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, या फिर झूठी रिपोर्ट देके उनको फंसाना। तो ये वाकया पिछले 1.5 से 2 महीने से चलते आ रहा है। घटनास्थल पे जब जाने के बाद में हमने देखा तो लोगों ने बताया कि वो इस प्रकार से ये हमें बहुत बुरी तरह से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। एक और ये जो वहाँ जो रहने वाले जो नागरिक हैं जिन्हें पट्टे आवंटित हुए हैं, तो वो जब रिपोर्ट देने जाते हैं तो पुलिस भी उनकी तरफ में उतना झुकाव नहीं दे रही है या उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही बिल्डर ने अगर कोई रिपोर्ट दिया तो वो उसके ऊपर तुरंत उनको पुलिस स्टेशन में बुला के और दिन भर बैठाना और इस प्रकार से उनको तकलीफें देना शुरू है। किशोर जी, ये आवास योजना सरकार द्वारा गरीबों के लिए होती है, तो ठेकेदार की या वो बिल्डर की किस कारणों से वो यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हुए भी यह ये क्यों कर रहा है वो? हाँ, कारणों से कर रहा है? हाँ, किन कारणों से? यानी उसकी वो बोलता है कि ये जमीन मेरी है। अब ये जो वहाँ जिनको पट्टे जो मिले हैं, जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले 35 सालों से वहाँ रह रहे, उनका भी कहना ये है कि भैया हमें ये जमीन तो शासन ने दिया है, हमें सरकार ने दिया है, हमें तहसीलदार ने दिया है, पिछले 40 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं। अब अगर तुम्हें जो भी है, अगर ये तुम्हारी जमीन है तो तुम सरकार से वो जमीन मांगो, क्योंकि सरकार ने हमें ये जमीन आवंटित किया है जहाँ पे हम रह रहे हैं। इस विषय में मैंने माननीय तहसीलदार जो है प्रताप वाघमारे सावनेर के, उनसे बात किया तो उनके पास में भी ये शिकायत गई है, मंत्री महोदय तक शिकायत गई है, वरिष्ठ लोगों तक इन्होंने शिकायत किया है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने वो जो लेआउट धारक है उसे बुलाया है और उसे हद कायम करने की उसकी जो एक प्रक्रिया होती है, मोजनी की जो प्रक्रिया होती है, वो करने के उन्हें ऐसे आदेश दिया है कि आप वो उसे अपना हद तुम्हारी कहाँ तक है ये पहले हद मोजनी करो, उसके बाद अगर समझो इंदिरा आवास योजना के कुछ पट्टे उनके अंदर में आते हैं तो वो पट्टों को खाली करके उन्हें दूसरी तरफ पट्टे दिए जाएंगे और वो जगह उनको उनकी दी जाएगी, इस प्रकार से तहसीलदार साहब का कहना है। उसी प्रकार से पुलिस स्टेशन में भी मैंने बात किया है थानेदार मारुति मुड़क से, तो उनका भी कहना है कि भैया हमारे पास में जो शिकायत आती है उसका निराकरण करना ये हमारा काम है। लेआउट धारक
और बस्ती के लोग, इनमें कहीं वाद ना बढ़े, कहीं अलग प्रकार में ये प्रकरण नाया जाए, इसलिए उसे कानूनी तौर पे दोनों को समझाया जा रहा है और साथ में एक मीटिंग रख के या एक बैठक रख के उनसे वो सारी चीजों का ये करके कि वह बिल्डर वो लेआउट धारक बताए कि भाई ये जगह हमारी है, या जो जिन्हें पट्टे मिले हैं वो दिखाए कि भाई ये पट्टे की जमीन हमारी है। तो ये इस प्रकार से जब तक उसमें तहसीलदार, पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे तभी जाकर ये गरीबों को न्याय मिल पाएगा। हो सकता है कि वो लेआउट धारक की जमीन हो, तो लेआउट धारक की जमीन अगर है तो जहाँ उनके पट्टे दिए गए हैं तो उन्हें और करीबी जो भी सरकारी जगह है, सरकारी आबादी की जगह है, वहां भी उन्हें पट्टे देकर उन्हें बसाया जाएगा। क्या ऐसी शिकायत पीड़ितों ने की है और क्या ऐसी मांग भी उनके तरफ से की जा रही है? हाँ, तो इसी प्रकार की पीड़ितों ने सावनेर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत की है। माननीय तहसीलदार को भी इसकी शिकायत दी है कि वो इस प्रकार से हमें रोज रोज आके हर दो चार दिन में आके धमकाना, कई महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करना, किसी के हाथ पकड़ना, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं तो उससे भय का वातावरण है। ये भय के वातावरण से कहीं तो भी निजात दिलाई जाए, इसलिए एक सामूहिक रिपोर्ट वहां जो रहने वाले सर्वोदय नगर के पानी टंकी के इलाके के जो भी इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी हैं उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि अब पिछले 10 दिनों से वो कामों पे नहीं जा पा रहे हैं। उन्हें कहीं पुलिस स्टेशन के चक्कर तो कहीं तहसील के चक्कर तो कहीं कुछ चक्कर, तो इस प्रकार से उनका कहना है कि एक बार बैठ के जो भी चीजें हैं वो उसमें हमें न्याय दिलाया जाए जिससे हम यहाँ शांति से रह सके। धन्यवाद किशोर जी आपने दिए विस्तृत जानकारी के लिए। धन्यवाद अचल। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर, नागपुर। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स, काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जम्बो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पेशियस एंड सुपीरियर ई रिक्शाज, लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। विजिट अस एट चिटनीस पार्क स्क्वायर, रुईकर रोड, महल, नागपुर। कॉन्टेक्ट अस 9096654447। सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।